हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एम्फीबिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको उभयचर कहते हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, जो कि ग्रीक वर्ड होता है एम्फी, एम्फी मीन्स दो होता है, बायोस मीन्स जीवन होता है, यानी उभयचर जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। एम्फी मीन्स डुअल और बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि ये एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, यानी जल में भी रह सकते हैं और ये थल में भी, यानी कि स्थल में भी रह सकते हैं, इसलिए इसको एम्फीबिया कहते हैं। तो उभयचर नाम से इंगित है, बायोस यानी कि एम्फी दो, बायोस लाइफ उभयचर, और उभयचर होते हैं जल और थल दोनों में ही रह सकते हैं। अधिकांशतः बात करते हैं उसमें दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यानी कि एम्फीबियस जो होते हैं उसमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ये टू पेयर्स ऑफ लिम्स बियर करते हैं। बॉडी डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में, सिर और धड़ में बॉडी डिविजिबल होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें नेक यानी कि गर्दन, गर्दन का इसमें अभाव होता है, यानी गर्दन नहीं पाई जाती है, नेक नहीं होता, ये महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो बॉडी होता है हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है इनका। एम्फीबियस होते हैं टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और कुछ में टेल प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि टेल्स प्रेजेंट्स इन सम, कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा जो होती है वो नम होती है और शल्क रहित होती है, यानी इनकी जो त्वचा होती है मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, यानी कि स्केल्स का अभाव होता है। त्वचा जो होती है वो नम होती है और विदाउट स्केल्स, यानी स्केल्स जो होते हैं उनमें स्केल्स का अभाव पाया जाता है। टिम्पेनियम बात करते हैं, टिम्पेनियम प्रेजेंट्स द ईयर, तो टिम्पेनियम होता है रिप्रेजेंट द ईयर, जो कि रिप्रेजेंट्स करता है ईयर को, यानी कि कान की तरह इसमें टिम्पेनियम पाया जाता है, जिसको कर्ण पटल कहते हैं, टिम्पेनियम कर्ण पटल। आइज हैव आई लिड्स, जो नेत्र पलक वाले होते हैं, यानी कि इसमें आइज में क्या होते हैं, आइज हैव आई लिड्स, ठीक है, आइज में आई लिड्स होती हैं। टिम्पेनियम होता है रिप्रेजेंट द ईयर, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करेगा टिम्पेनियम। कर्ड की जगह क्या होता है, कर्ड पटल पाया जाता है, टिम्पेनियम बोलते हैं जिसे। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है, यानी कि देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ओपन होता है इनटू कॉमन चैम्बर जो होता है, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, यानी कि आहार नाल और मूत्राशय और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर बोलते हैं यानी कि क्लोएका बोलते हैं। तो जो कि इसमें जो खुलता है, इसमें ये तीनों जो बाहर खुलता है, यानी कि कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं, विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, जो कि बाहर की ओर खुलता है, क्लोएका जो कि बाहर की ओर खुलता है। और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स इसमें ओपन होते हैं क्लोएका में, क्लोएका बाहर की ओर खुलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोएका, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी इज बाय गिल्स लंग्स थ्रू स्किन, रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि गिल्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी होते हैं और थ्रू स्किन, और त्वचा के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इसमें लंग्स के द्वारा भी होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है और त्वचा के द्वारा भी रेस्पिरेशन संभव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज थ्री चैम्बर्स हार्ट होता है, इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि टू ऑरिकल्स होते हैं और वन वेंट्रिकल होता है, टू ऑरिकल्स होते हैं वन वेंट्रिकल होता है, यानी कि इसमें थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं, ठीक है, थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस में। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस होते हैं ये। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल को देखने से पहले हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया माने एम्फी मीन्स होता है टू या डुअल, और बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि इनका
जो हम बात करते हैं इनका जो जीवन होता है, एम्फीबियन की लाइफ होती है, जो दोनों प्रकार के में पाई जाती है, यानी कि ये जो हैं वो स्थल में भी पाए जाएंगे और जल में भी पाए जाएंगे। और इसमें फिर हम बात करते हैं टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, यानी कि दो पेयर्स लिम्ब्स पाए जाते हैं। शरीर जो होता हैड और ट्रंक में डिवाइड होता है, सिर और धड़ में विभाजित होता हैड और ट्रंक में विभाजित होता है। टेल भी प्रेजेंट इन सम, और कुछ में टेल भी पाई जाती है और इसमें, ठीक है, कुछ में पूंछ भी पाई जाती है। उभयचर में त्वचा जो होती है नम होती है और शल्क रहित होती है, यानी कि इनकी जो त्वचा होती है वो मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल्स होती है। आई में आईलिट्स पाई जाती हैं। टेम्पेनियम जो होता है रिप्रेजेंट द ईयर, टेम्पेनियम ईयर को रिप्रेजेंट्स करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लोइका की है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, जिसे क्लोइका कहते हैं, जो कि बाहर की ओर खुलता है, यानी कि जो कि ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रिस्पायरेशन इज बाय द लंग्स, गिल्स और थ्रू द स्किन। रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। और थ्री चैम्बर्स हार्ट होता है, एक ऑरिकल और यानी कि थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें दो ऑरिकल होते हैं और वन वर्टिकल होते हैं, वन वेंट्रिकल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं और सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवी पेरिश होते हैं, साथ ही साथ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेफो जिसको हम टोड बोलते हैं, राना जिसको फ्रॉग बोलते हैं, हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, सलामेंडर सलामेंडर और इक्थियोफिस जिसको लिम्बलेंस अम्फीबिया बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये इक्थियोफिस क्या होता है। इक्थियोफिस जो होता है वो लिम्बलेंस एम्फीबिया होता है, यानी कि पाद रहित उभयचर की अगर हम बात करते हैं, पाद रहित उभयचर क्या होता है, तो ये इक्थियोफिस होता है लिम्बलेस एम्फीबिया, जिसमें पाद नहीं होते हैं, पाद रहित उभयचर होता है इक्थियोफिस। सलामेंडर एग्जाम्पल है इसके। और जो हाइला होता है वो जिसको हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं, और राना जिसको होता है जनरली हम फ्रॉग बोलते हैं, वूफो जिसको टॉड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त चाहते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, पर्यावरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ख़त्म करने के लिए यहीं पे इजाज़त चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन वाला है उसको भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। और आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।